गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 3 किंगशिप कास्ट एंड क्लास जाति एंड सोशल मोबिलिटी मींस जाति और सामाजिक गतिशीलता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, अभी तक इस चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें जैसे वो भी इसका लाभ ले सकें। और अनदर क्लासिफिकेशन कॉल्ड जाति, हमने वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ा था जिसमें चार प्रकार की थी और अब एक दूसरा वर्गीकरण आया जिसे जाति कहा गया। लाइक वर्ण, जाति वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन बर्थ बट अनलाइक वर्ण देयर वॉज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी नंबर ऑफ जाति। एक्चुअली समाज का वर्गीकरण ब्राह्मणों ने किया था, उसमें एक शब्द और भी आया उनके शास्त्र के अनुसार जाति, और ब्राह्मण सिद्धांत के हिसाब से ये जाति जो है वर्ण के तरह ही ये जन्म पर आधारित है। और वर्ण की तो सिर्फ चार संख्या होती थी किंतु जाति की कोई अनगिनत संख्या होती है जिनकी कोई गिनती ना हो। वेन एवर ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज इनकाउंटर्ड न्यू ग्रुप विच डिड नॉट इजी फिट इन टू दी फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम, जहां कभी भी ब्राह्मणों का किसी नए समुदाय के साथ आमना सामना होता और वो वर्ण सिस्टम में उस समुदाय को फिट नहीं कर सकते थे, जैसे पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट सच एज निसाद और द ट्रेडर्स। निसाद कौन थे? जो जंगल में रहते थे, हंटिंग के ऊपर जीवन चलता था। ट्रेडर्स थे, गोल्डस्मिथ थे और सुवर्णकार थे। ब्राह्मण जो थे इन लोगों को चार वर्णों वाली व्यवस्था में शामिल नहीं करना संभव नहीं था उनके लिए। इन्हें जाति में क्लासिफाइड कर दिया। Which shared a common occupation or a professions were sometime organized into shrine or guild. वे जातियां या वे लोग जो एक ही प्रकार के प्रोफेशन से जुड़े हुए थे उन्हें ये लोग एक श्रेणी में कर देते थे। जैसे एक वन इंटरेस्टिंग एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है हमें मंदसौर मध्य प्रदेश में, उसमें ये प्राप्त हमें रिकॉर्ड मिलता है कि कुछ सिल्क वेवर थे, सिल्क बुनकर थे, जो कि वो गुजरात के रहने वाले थे। हु ओरिजिनली लिव्ड इन दी लाता गुजरात फ्रॉम वेयर दे माइग्रेटेड टू मंदसौर मध्य प्रदेश। इस इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि जो सिल्क वेवर थे वो लोग गुजरात के रहने वाले थे और उन लोगों ने पूरे परिवार के साथ उन्होंने वो मध्य प्रदेश आए ये सुन करके आए कि यहाँ के राजा बहुत उदार हैं, बहुत महान हैं और यहाँ पर आकर के वो बसने के लिए मंदसौर आ गए। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड अ फैसिनेटिंग ग्लिम्सेस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस एंड प्रोवाइड इनसाइट इनटू द नेचर ऑफ गिल्ड और श्राइन। हमें पता चलता है कि ऑल्दो मेंबर्स वॉज बेस्ड ऑन शेयर्ड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, जो वहां पर जो लोग थे, जो मेंबर थे उस समुदाय के, वो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन पर निर्भर थे। कुछ लोग अपने सम मेंबर्स अडॉप्ट अदर ऑक्यूपेशन, कुछ मेंबर्स अपने व्यवसाय को छोड़ के दूसरा व्यवसाय भी कर सकते थे। दे इट ऑल्सो इंडिकेट दैट मेंबर शेयर्ड मोर देन अ कॉमन प्रोफेशन। ये और भी इस अभिलेख से हमें पता चलता है कि कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे जो अपना तो प्रोफेशन करते भी थे और भी प्रोफेशनों के साथ वो और भी प्रोफेशनों के साथ जुड़े रहते थे। इन्वेस्ट देयर वेल्थ अर्न थ्रू देयर क्राफ्ट टू कंस्ट्रक्ट अ स्प्लेंडेड टेम्पल इन द ऑनर ऑफ सन गॉड।
जो पैसा वो आर्ट एंड क्राफ्ट से अर्न करते थे उन पैसों को वो लोग सन मंदिर में, सन मंदिर को बनाने में खर्च करते थे। बियॉन्ड द फोर वर्नस इंटीग्रेशन, चार वर्णों के परे एक एकीकरण की हम बात करते हैं। दे वेर पॉपुलेशंस हुज सोशल प्रैक्टिस वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई ब्राह्मणिकल आइडिया। कुछ ऐसे समुदाय भी समाज में थे जो ब्राह्मण विचार से परे थे, जो ब्राह्मण विचारों को नहीं मानते थे। दे आर ऑफन डिस्क्राइब एज अड सिविलाइज्ड और इवन एनिमल लाइक। उन्हें कहा, क्या कहा जाता था? विचित्र कहा जाता था, असभ्य कहा जाता था तथा पशु चरित्र कहा जाता था। दीज इंक्लूडेड फॉरेस्ट ड्वेलर फॉर हुम हंटिंग एंड गैदरिंग रिमेन एज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ द सब्सिस्टेंस। अब इसमें से जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, जो किसके ऊपर निर्भर था इनका जीवन? हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर था। कैटेगरी सच एज निषाद टू विच एकलव्य इज सपोज टू हैव बिलोंग आर एग्जाम्पल ऑफ दिस। अगर हम निषाद की बात करें जो जंगल में रहते थे, हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर उनका जीवन चलता था। अब एकलव्य भी उन्हीं जाति का था जो ब्राह्मण द्रोणाचार्य के पास उनका शिष्य बनने गया था, और द्रोणाचार्य जो धर्म के ज्ञाता थे उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था। अदर नोमैडिक पैस्टोरल हु वेर व्यूड विद सस्पिशियस इंक्लूडिंग द पॉपुलेशन। कुछ पशुपालन समुदाय और भी थे जिन्हें बहुत शंका की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें मलेच्छ कहकर के पुकारा जाता था, किंतु इन लोगों के बीच से अदर समाज के बीच में आचार विचारों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के रूप में कई बार में हमें महाभारत आदि पर्वन की कहानियों से पता चलता है। वो कहानी क्या थी? पांडव घनघोर जंगल में गए और थक करके सो गए, जिसमें भीम जो बहुत बहादुर थे और अपने ताकत के लिए जाने जाते थे, और सेकंड पांडव थे, वो सेकंड पांडव पुत्र थे। भीम पूरे पांडवों की रखवाली कर रहे थे। उसी समय एक राक्षस को उन लोगों का स्मेल मिला, और राक्षस ने अपनी बहन हिडिंबा को पांडवों को साथ लाने के लिए भेजा। हिडिंबा जब आई भीम को देखकर मोहित हो गई और अपना रूप बदलकर भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु भीम ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसी समय हिडिंबा का भाई आया और भीम के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हिडिंबा का भाई मारा गया। और इन सब सारी घटनाओं के बाद इतना कोलाहल हुआ कि सारे पांडव जाग गए। तो हिडिंबा ने अपनी विवाह का प्रस्ताव उनके पूरे परिवार के समक्ष रखा, किंतु इस प्रस्ताव को युधिष्ठिर, जो पांडव के बड़े भाई थे, सुन करके इस प्रस्ताव को मान लिया, किंतु एक शर्त रखी। भीम हिडिंबा के साथ दिन में रहेगा, रात्रि में अपने घर वापस आ जाएगा। इसी प्रकार जीवन व्यतीत करने लगे, और हिडिंबा और भीम से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। हिडिंबा और घटोत्कच जाकर जंगल में रहने लगे, किंतु जंगल में जाने से पहले घटोत्कच ने पांडवों को एक वादा किया कि जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी घटोत्कच उनकी मदद के लिए आएगा। इस तरीके की कहानियों से हमें इन लोगों के बारे में पता चलता है। बियॉन्ड द फोर वर्ण सबऑर्डिनेट एंड कॉन्फ्लिक्ट, चार वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। डेवलप अ शार्पर सोशल डिवाइड बाय क्लासिफाइंग सर्टेन सोशल कैटेगरीज एज अनटचेबल बेस्ड ऑन अ सर्टेन एक्टिविटीज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द रिचुअल। अब ब्राह्मण कुछ लोगों को, कुछ धार्मिक अनुष्ठान, कुछ एक्टिविटी को देखते हुए अछूता घोषित कर दिया समाज में। कुछ काम जैसे पूजा तथा और भी जो काम थे जो देवताओं से रिलेटेड थे,
जो इन सब चीजों में भाग लेते थे उन्हें पवित्र या पुनित माना जाता था, और ब्राह्मण अपने आप को इसी कैटेगरी में रखते थे, पवित्र वाले कैटेगरी में। और वो जो अछूत थे उनके हाथ से कभी भोजन नहीं करते थे। इसी के विपरीत कुछ और भी जातियां और भी लोग थे जो कि अपने कर्मों के अनुसार उन्हें अछूता माना जाता था, और समाज में जैसे दीज इंक्लूडेड हैंडलिंग कॉर्प्स, जो डेड बॉडीज को अंत्येष्टि करते थे, उनका अंतिम संस्कार करते थे, या डेड एनिमल को हाथ लगाते थे। दोज हू परफॉर्म सच टास्क डेजिग्नेटेड एज अ चंडाल, जो अंत्येष्टि करते थे या मृतक एनिमल को हाथ लगाते थे उन्हें चंडाल कहकर के पुकारा जाता था। अब मनुस्मृति की बात करें, जो एक लॉ बुक था उसमें इन चंडालों की ड्यूटी के बारे में एक पूरी लिस्ट ही बना रखी है। दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, ये चंडाल जो थे गांव में नहीं रहेंगे, आउटसाइड द विलेज रहेंगे। फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे, वियर क्लोथ ऑफ डेड एंड ऑर्नामेंट ऑफ आयरन, जो मृतक लोग थे उनके कपड़ों को पहनेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और लोहे के आभूषण का इस्तेमाल करेंगे। दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन विलेज एंड सिटीज एट नाइट, रात्र में ये गांव में नहीं घूमेंगे। दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी ऑफ दोज हू हैड टू रिलेटिव एंड सर्व एज एग्जीक्यूशनर, ये बाकी अपने बंधु बांधव के और लोगों के ये शरीर का अंत्येष्टि का काम करेंगे। अब उसी टाइम में फाहिन और ह्यूमन सैंग भी आए थे। फाहिन कौन थे? ये एक बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, 5th century में आए थे। इन्होंने कहा अनटचेबल हैड टू साउंड अ क्लैपर इन द स्ट्रीट सो दैट द पीपल कुड अवॉइड द सीन देम, वो जो अनटचेबल थे, अछूते थे, वो रास्ते में ताल बजा करके चलते थे, और इससे जैसे लोगों को पता चल जाए और वो इन्हें देखने से बच जाए। ह्यूमन सैंग ने 7th century में जो आए थे, हर्षवर्धना के टाइम में, इन्होंने क्या कहा था? ऑब्जर्व दैट एग्जीक्यूशनर्स एंड स्कैवेंजर्स वेर फोर्स टू लीव आउटसाइड द सिटी, इन लोगों को सिटी से बाहर रखा जाता था। वाई एग्जामिन नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट which depicted the lives of Chandal. Historians have tried to find out whether Chandal accept the life of degradation prescribed in the Shastra. दो प्रकार के टेक्स्ट थे, नॉन ब्राह्मणिकल और ब्राह्मणिकल। नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में भी पढ़ा गया कि वहां भी चंडालों को हीन दिखाया गया है और उन्होंने इस हीनता को स्वीकार कर लिया है, और नॉन ब्राह्मणिकल और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में दोनों में समानता पाई जाती थी। स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बियॉन्ड बर्थ रिसोर्स एंड स्टेटस।